कल हम लोगों ने जो प्रोविजन फॉर बैड डेट कराया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा, उसी के ऊपर ही मैं एक चर्चा करूंगा, जहां पर दो अल्टरनेटिव मैंने बताया था। सेकंड अल्टरनेटिव का चर्चा अभी नहीं करूंगा, अभी फर्स्ट अल्टरनेटिव का ही चर्चा मैं करूंगा। उसमें फर्स्ट अल्टरनेटिव क्या था, ओपनिंग प्रोविजन को, प्रोविजन अकाउंट ओपन करके ओपनिंग प्रोविजन का बैलेंस लिखो, करंट ईयर में जिसके लिए प्रोविजन करते हो, जिस लॉस के लिए और जिस एक्सपेंसेस के लिए प्रोविजन करते हो, उसको प्रोविजन अकाउंट में क्लोज करो। क्लोजिंग डेट में क्लोजिंग प्रोविजन क्रिएट कर का बैलेंस लिखो, क्लोजिंग डेट में क्लोजिंग प्रोविजन का बैलेंस लिखो, और जो डिफरेंस आएगा वो पीएल में ट्रांसफर करो। दैट इज द फोर स्टेप प्रोसेस। दूसरा ऑल्टरनेटिव मैंने बोला है अभी तक बात नहीं करेंगे, वो बाद में बात करते हैं, ठीक है। यहां तक हम लोगों का चर्चा का विषय है, तो हम लोग इसको प्रोसीड करके लेके जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। चलिए मैं एक प्रॉब्लम आप लोगों के सामने रखूंगा। मैं प्रॉब्लम लिख ही रहा था, आप लोगों का बात भी सुन रहा था, लिख ही रहा था। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रोविजन नेसेसरी प्रोविजन अकाउंट, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। चलिए, नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ अंकित, डेटर्स कौन सा डेट में, 31/12/2020, बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर डिस्काउंट फॉर द ईयर 2020, डिस्काउंट अलाउड फॉर द ईयर 2020, बैड डेट ओपनिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट बोल दिया है 5,000, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बोल दिया है 2,500। एडिशनल इंफॉर्मेशन, नंबर वन, फर्दर बैड डेट ₹2,000, डिसऑनर ₹5,000, का थ्री, कर फादर बैड डेट चेक डिसऑनर एंड लास्ट मिस्टर ए इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ डेटर्स ₹10,000 एंड लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स ₹8,000। ओके, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट पीबीडी एट द रेट ऑफ 8% एंड पीडीडी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 5%। प्रॉब्लम वन, ओके तो ये पूरा इंफॉर्मेशन था, इसके ऊपर आपको करना पड़ेगा। चलिए मैं आपके साथ करूंगा सॉल्यूशन।
सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, आप एक नोट करके डेटर्स का अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए। नोट वन, वर्किंग नोट वन, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग डेटर्स, बिकॉज आपका सभी इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग डेटर्स। डेटर्स एज पर बुक, कितना एज पर बुक कितना है? 5 लाख। एम आई करेक्ट? देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है फर्दर बैड डेट, मतलब कोई बंदा पैसा नहीं देगा तो मैंने उसको क्या किया, राइट ऑफ कर दिया। तो फर्दर बैड डेट का जर्नल एंट्री क्या होता है बेटा? सर एक काम करते हैं, अच्छा रहेगा, क्लोजिंग कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। चलिए इट्स बेटर टू सी इन दैट फॉर्मेट। डेटर्स बैड डेट, बैलेंस एज पर बुक, कितना बैलेंस एज पर बुक? 5 लाख। और बैड डेट का बैलेंस क्या है बेटा? 2000। लेस बा एडजस्टमेंट फॉर बैड डेट, फॉर फर्दर बैड डेट, कितना? 2000। आप लोग जानते ही है जर्नलों का डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। सो डेटर्स से भी रिड्यूस होगा और बैड डेट में क्या होगा? एड होगा। अच्छा ये 10,000 फिगर था, तो बैड डेट में क्या होगा? एड होगा। नेक्स्ट, चेक डिसऑनर, चेक डिसऑनर, चेक डिसऑनर कितना? 5000। चेक डिसऑनर का मतलब बैड डेट नहीं होता है, किसी कारण के लिए ओवरराइटिंग था, चेक डिसऑनर हुआ। इंपैक्ट क्या हुआ? सर बैंक का बैलेंस रिड्यूस होगा, डेटर्स बढ़ जाएगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहां पर बैंक तो नहीं है तो हटाओ, सिर्फ डेटर्स का बैलेंस बढ़ेगा। कितना? चेक डिसऑनर 5000। नेक्स्ट, Mr. A included in the list of debtors ₹10,000 and the list of creditors ₹8,000. मतलब same person आपका debtors भी है, same person of creditors है। As a debtor, same person से आपको अंकित को Mr. A से 10,000 मिलने वाला था और अंकित को आपको 8,000 देना चाहिए था। तो better क्या होगा? सर 10,000 मुझे उससे मिले, 8,000 मैं उससे दूं, is the better to mutually set off? मतलब 8,000 सेट ऑफ कर देते हैं, फाइनली सिर्फ 2,000 रुपए का बैलेंस मैं उसको रिफंड करूंगा। तो क्या करूंगा? 2,000 रुपए का जो मैं रिफंड करूंगा तो सेट ऑफ कितना होगा? 8,000 रुपए का सेट ऑफ होगा, म्यूचुअल सेट ऑफ, म्यूचुअल सेट ऑफ। कितना म्यूचुअल सेट ऑफ? 8,000 रुपया सेट ऑफ हो जाएगा। डेटर से भी होगा, क्रेडिटर से होगा। यहां पर क्रेडिटर्स का अकाउंट नहीं है इसलिए मैं क्रेडिटर्स का अकाउंट नहीं करूंगा। एक काम करते हैं, मैंने ये पार्ट को मैं इग्नोर करता हूं, आपके लिए ठीक रहेगा अभी इस मोमेंट में। फर्दर बैड डेट को लेस करता हूं, आपको समझने में इजी रहेगा। चेक डिसऑनर को ऐड करता हूं, म्यूचुअल सेट ऑफ मतलब डेटर से भी बैलेंस घटेगा, क्रेडिटर से भी बैलेंस घटेगा 8,000।
चलिए और कुछ है, मतलब मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन को फिगर ले लिया, करेक्टेड बैलेंस कितना, डेटर्स का करेक्टेड बैलेंस 4,95,000। रुपीज नौ। प्रोविजन ऑन क्लोजिंग डेट क्या बोला था याद करो, मैंने सिखाया था आप लोगों को। क्या था, डेटर्स अमाउंट पीबीडी प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम द शेल्फ। स्टॉप शेयरिंग। पीबीडी परसेंटेज, पीबीडी का अमाउंट, एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन परसेंटेज पीडीडी, पीडीडी रुपीज में। डेटर्स यहां पर कोई स्पेसिफिक डेटर्स है? नहीं सर, मुझे किसी डेटर्स के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, तो स्पेसिफिक डेटर्स नहीं है, तो डेटर्स कितना है, जनरल होगा, बिकॉज स्पेसिफिक कोई तो कोई डेटर्स है ही नहीं, तो जनरल डेटर्स का अमाउंट क्या है 4,95,000। सर था तो 5,00,000, हाँ, लेकिन एडजस्टमेंट करने के बाद 4,95,000 हुआ है। दैट इज योर क्लोजिंग डेटर्स। ईबीडी कितना क्रिएट करना पड़ेगा, 8%। बोलिए प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना होगा, फोर लाख नाइन्टी फाइव थाउजेंड इंटू 8% 39,600। एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन कितना होगा, 4,95,000 का 8% बैड डेट, मतलब आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है आउट ऑफ 4,95,000 39,600 विल नॉट पे, तो हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग यू विल रिसीव, 4,55,400। चलिए परसेंटेज ऑफ पीडीडी, तो अगर आपको डिस्काउंट ऑफर करना है तो किसको डिस्काउंट ऑफर करेंगे, 4,95,000 को ऑफर करेंगे ना, जितना मिलने वाला है 4,55,400 को डिस्काउंट ऑफर करेंगे, किसको आप डिस्काउंट ऑफर करेंगे बेटा, 4,55,000 जितना मिलने वाला सर, मिठाई किसको खिलाएंगे, जो पैसा देने वाला है उसको ही मिठाई खिलाएंगे, बोलेंगे मिठाई खिलाऊंगा अगर आप जल्दी पेमेंट कर देते हैं, तो चलिए जल्दी पेमेंट का एक्सपेक्टेशन में आप डिस्काउंट ऑफर किसको करेंगे, 4,55,400 कितना परसेंट डिस्काउंट, 5%। चलिए इनटू 5% कितना, 22,770। डन, तो चलिए आपने पूरा मैटर कवर कर लिया था। अब तो मेरा क्लोजिंग डेटर्स हुआ, वर्किंग नोट टू हुआ, अब तो ऊपर में क्या था, वर्किंग नोट वन। अब मैं अकाउंटिंग में जाऊंगा जहां पर अल्टरनेटिव वन को फॉलो करूंगा। नाउ अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अंकित, डेबिट प्रोविजन फॉर बैड डेट, अच्छा पहले बैड डेट का अकाउंट करते हैं, बैड डेट क्रेडिट
चलिए डेट पर्टिकुलर्स रुपीज डेट पर्टिकुलर्स रुपीज करते हैं। इसके साथ और एक भी अकाउंट ले लेते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। बैड डेट अकाउंट क्या होगा? चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर में टोटल प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना हुआ था? 10,000। टू बैलेंस मतलब पूरा बैलेंस कितना है? टू बैलेंस पूरा बैड डेट का अकाउंट सीडी बोल रहा है, बीडी 10,000। ड्यूरिंग द ईयर मतलब फर्दर क्लोजिंग डेट में आपका एडजस्टमेंट एंट्री आपको देना पड़ा। क्या देना पड़ा? टू डेटर्स फर्दर बैड डेट हुआ था ना, टू डेटर्स अकाउंट कितना बेटा? 2,000। टोटल बैड डेट कितना हुआ? 12,000। और मेरा अल्टरनेटिव वन अनुसार बैड डेट को मैं कहां पर चार्ज करूंगा? नॉर्मली नॉमिनल अकाउंट को हम लोग पीएल में क्लोज करते हैं, लेकिन अगर प्रोविजन उसके लिए कुछ बनता है तो एक अल्टरनेटिव होता है मैं डायरेक्टली एक्सपेंसेस को कहां पर चार्ज करूंगा? प्रोविजन अकाउंट में। तो पूरा एक्सपेंसेस तो नहीं है लॉस, 12,000 कहां पर चार्ज करूंगा? बाई पीएल के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट कितना? 12,000। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट हो गया 12,000। चलिए इसको क्या लिखेंगे? ट्रांसफर आप याद रखिएगा बेटा, ट्रांसफर दो प्रकार का होता है। एक ट्रांसफर आप पीएल में डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपका प्रोविजन अकाउंट है तो आप पीएल में नहीं डालेंगे, आप प्रोविजन अकाउंट में पहला अल्टरनेटिव वन आंसर आप पीएल के बदले आप डायरेक्टली कहां पर चार्ज करेंगे? उसके लिए अगर कोई प्रोविजन बना है तो प्रोविजन अकाउंट में चार्ज करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रोविजन अकाउंट 112020 क्या होगा? मैंने बोला है बाई बैलेंस को पहले ओपनिंग प्रोविजन को लिखिए, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना? ओपनिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट था, प्रोविजन फॉर बैड डेट 5,000। कहां है सर? यही तो है प्रोविजन फॉर बैड डेट 5,000। Done. Next. 31/12/2020 में क्या हुआ? टू मैंने जो प्रोविजन को क्लोज किया था तो यहां पर आ जाएगा टू बैड डेट कितना? ट्रांसफर जो ट्रांसफर हुआ था 12,000। उसके बाद क्या बोला था? क्लोजिंग डेट में बैलेंस लिख दीजिए 31/12/2020। टू बैलेंस CD, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट आप वर्किंग नोट टू को रेफर कीजिए। वर्किंग नोट टू में प्रोविजन क्लोजिंग के ऊपर कितना है बेटा? 39,600। 39,000
600 कहां से मिला, एक तो ऊपर में है देखो 39,600 वहां से फिगर लिखा। ओके नाउ सर मेरा तो प्रोविजन अकाउंट क्लोज नहीं हो रहा है, तो क्लोज करने के लिए मुझे किसका हेल्प लेना पड़ेगा? कहां से प्रोविजन क्रिएट होता है? नेट पीएल से। टू प्रॉफिट सर बाई होगा अकाउंट, क्या लिखा था? नेट अमाउंट, नेट प्रोविजन। नेट प्रोविजन कितना? नेट प्रोविजन करो 39,600 प्लस 46,600 51,600 माइनस 5,000 तो मेरा कितना होगा बेटा 46,600। सर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, टू लिख दो। अच्छा अच्छा छोड़ी, ठीक है कोई प्रॉब्लम? कल जो प्रॉब्लम था आज वो प्रॉब्लम लगा? यस और नो, क्लियर और नॉट? यस सर। सर वर्किंग नोट में 39,600 है, वो कैसे आया थोड़ा बता दीजिए। बोलिए 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 बेटा और एक बार प्लीज। वर्किंग नोट 2 में सर 39,600 है सर, ये कैसे आया है? यस सर। अच्छा कौन बोल रहे हो बेटा? राशिद। 4,95,000 में आप एक्सपेक्ट कर रहे 8% नहीं मिलेगा, ठीक है? Yes. 22,700 दिखाएंगे, चलो हो ही सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट प्रॉब्लम है तो बहुत लोगों का प्रॉब्लम हो ही सकता है, ठीक है? चलिए सर प्रोविजन फॉर बैड डेट हम लोग नहीं देंगे, मैंने तो लिया है ये तो 39,600। सॉरी सर डिस्काउंट डिस्काउंट वाला मैंने अभी तक बोले बोला है बेटा, प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, बोला है तुमको तो क्यों बोल रहा है? डांटूंगा। डिस्काउंट अलाउड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड चलिए डिस्काउंट 31,12,2020 डिस्काउंट लाइक अ बैड डेट इज अ लॉस। डिस्काउंट क्यों अलाउ करते हैं? आरडी पेमेंट के लिए, मेरा जो क्रेडिट पीरियड है उससे जल्दी अगर आप पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको डिस्काउंट अलाउ करूंगा, तो इसलिए आरडी पेमेंट के लिए। तो टू क्या होगा बेटा? टू बैड डेट, ना 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 बैलेंस, धीरे धीरे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डिस्काउंट अलाउड में बैड डेट क्यों? बैड डेट तो मैं आपने क्लोज कर दिया बेटा, बैड डेट अकाउंट तो क्लोज हो चुका है और तो बैड डेट नहीं है, लेकिन बचा क्या है? डिस्काउंट अकाउंट बचा है। तो डिस्काउंट कितना? डिस्काउंट अलाउड ड्यूरिंग द ईयर है 2000 और ओपनिंग प्रोविजन था 2500, तो चलिए डिस्काउंट अलाउड 2000 डन। कोई फर्दर बैड डेट है? सॉरी फर्दर डिस्काउंट है? नो। प्रोविजन फॉर बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर है सर, डिस्काउंट कुछ नहीं है बेटा। तो डिस्काउंट अलाउड को अल्टीमेटली कहां पर क्लोज करेंगे? सर नॉर्मली क्लोज करना चाहिए पीएल में, लेकिन यहां पर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट है और मुझे अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, तो मैं बाई कहां पर क्लोज करूंगा? प्रोविजन फॉर बैड डेट, सॉरी provision for discount
अलाउड अकाउंट. सर ये वाला नेट है ना सर. ट्रांसफर कितना? 2000 रुपया. मतलब जो मुझे पीएल में क्लोज करना चाहिए था लेकिन मेरा प्रोविजन अकाउंट है तो इस अल्टरनेटिव अनुसार मैंने क्या किया, मैंने उसको पीएल में क्लोज कर दिया, प्रोविजन अकाउंट में क्लोज किया. 2000 2000. नाउ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट में ओपनिंग बैलेंस क्या है? सेम चीज, प्रोविजन अकाउंट ओपन करेंगे, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बोलो सर? 2500. वेरी गुड. एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने जो डिस्काउंट को क्लोज किया था वो यहां अकाउंट में आएगा. 2 डिस्काउंट अलाउड. मैंने जो डिस्काउंट अलाउड ड्यूरिंग द ईयर हुआ था वो मेरे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड से मैंने एडजस्ट किया. एडजस्ट किया मतलब उस अकाउंट में क्लोज कर दिया, तो वहां से यहां पर ट्रांसफर कर दिया इंस्टेड ऑफ पीएल अकाउंट. ट्रांसफर कितना? 2000. क्लोजिंग डेट में आपको प्रोविजन क्रिएट करना है. 31/12/2020 क्लोजिंग प्रोविजन सीडी. साउंड बंद रखिए. अजय कुमार ठाकुर साउंड बंद रखिए. बैलेंस सीडी कितना? बैलेंस सीडी कितना? क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट होगा 22,770. एम आई करेक्ट? 22,770. तो आ जाइए 22,770. तो मुझे बोलिए आपका तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट क्लोज नहीं हो रहा है, तो नेट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट आपका ड्यूरिंग द ईयर कितना होगा? बाई पीएल अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रोविजन, नेट पीडीडी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना? 22,200. सॉरी सर, 22,270. टोटल 24,770. एग्री? जैसे मैंने प्रेडेट अकाउंट किया उसी तरीके से डिस्काउंट अलाउड का भी वही किया. मतलब कुछ नहीं है, सिंपली सर यहां पर हम लोगों ने क्या किया, बैड डेट को प्रोविजन अकाउंट में क्लोज किया और बाकी कुछ नहीं है. ये ओपनिंग प्रोविजन है, क्लोजिंग प्रोविजन है, हो गया डन. अच्छा यहां पर मुझे नेसेसरी अकाउंट्स करने के लिए बोला गया था, मैंने नहीं किया. मैं आप लोगों को एक अकाउंट दिखा रहा हूं जो करना चाहिए था मुझे, डेटर्स अकाउंट. डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कितना बोल दिया था? 2 बैलेंस सीडी बीडी. फाइव लाख. 31/12/2020 एडजस्टमेंट एंट्री. बाय बैड डेट कितना? 5000 ना 2000 2000 सर. 2 2 2. टू बैंक क्या है ये सर? चेक डिसऑनर. डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक.
चेक डिसऑनर कितना? 8,000 सर. नो 5,000. Am I correct? सर सेटअप हो रहा ना तो मैं सेटअप नहीं बोल रहा हूँ, चेक डिसऑनर बोल रहा हूँ. ओके सर. चेक डिसऑनर कितना बेटा? 5,000 रुपए है तो, और सेटअप है 8,000. सेटअप मतलब डेटर्स भी रिड्यूस होगा, क्रेडिटर्स भी रिड्यूस होगा. बहुत लोगों का सवाल था. 31/12/2020 बाय क्रेडिटर्स कितना? 8,000 सेट ऑफ. तो बैलेंस कितना है? बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी सीडी, ऑलरेडी मैंने करके ही रखा था, 4,95,000. इसका नाम था म्यूचुअल सेटअप, सॉरी म्यूचुअल सेटअप. टोटल 5,05,000. डन. देखिए कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए. एनी प्रॉब्लम सर? जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड है वो हम लोग डेटर्स को दे रहे हैं ना? डेटर्स को दे रहे हैं, देंगे अभी तक. हाँ. उसके लिए प्रोविजन बना के रखा है. तो हम लोग जो अकाउंट में लिखे हैं आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, तो इसकी जगह हम लोग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड ऑन डेटर नहीं लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स वो भी लिख सकते हैं. हाँ हाँ हाँ. अच्छा, इसका बोलने का मतलब है जी सर आपने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड लिखा है, मैं अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स लिखता हूँ 100% होगा, 100%. देखते हैं तो मैंने प्रोविजन का नाम क्या लिखा था. यहाँ पर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड लिखा था, इसलिए मैंने मेंटेन किया. डन. और सर वर्किंग नोट वन वाला थोड़ा सा बताइए ना. वर्किंग नोट वन एक्चुअली मैंने जो डेटर्स का अकाउंट किया था वही वर्किंग नोट वन है. अच्छी तरह से देखिए, ओपनिंग डेटर्स का फिगर है आपका कितना? 5,00,000. लेस हो जाएगा फर्दर बैड डेट, चेक डिसऑनर ऐड हो जाएगा, म्यूचुअल सेटअप डेटर्स रिड्यूस करता है इसलिए लेस हो गया. तो नेट बैलेंस क्या हुआ? 4,95,000. आप थोड़ा डेटर्स अकाउंट देखिए तो 4,95,000 ही तो आया है. तो हम लोग को वर्किंग एडलेस करके किया है या अकाउंट फॉर्म में किया है? सर मुझे दोनों ही करना है. नो, अगर मैं अकाउंट्स करता हूं तो ये मुझे नहीं लगेगा, लेकिन मेरा पहला प्रॉब्लम है तो इसलिए मैंने जानबूझ के आप लोगों को दिखाया है. तो जब प्रॉब्लम वन वर्किंग नोट वन नहीं करेंगे तो वर्किंग नोट टू भी करना जरूरी है? अगर वर्किंग नोट टू नहीं करोगे तो ये फिगर तुमको कैसे मिलेगा बेटा? अच्छा, तुम लेस करके कर सकते हो. यहाँ पर तुमने क्या कर लिया, यहाँ पर तुम PBD एट द रेट ऑफ 8% तुम कर ही सकते हो. कितना? 39,600 एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन. कितना? 4,55,400 PDD प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 5%. कितना? 22,770. मतलब हम लोग एक साथ भी कर सकते हैं? एकदम एकदम. एक्चुअली ये फॉर्मेट मैंने क्यों इस्तेमाल करता हूं, जैसे ही आपका स्पेसिफिक प्रोविजन लगे रहेगा तब आपके लिए ये इजी होगा, इसलिए मैंने आपको दिखा के रखा है. आप चाहे तो इसके भीतर भी कर सकते हैं अगर स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं रहा, लेकिन जैसे ही स्पेसिफिक प्रोविजन रहता है
तो आप जनरल स्पेसिफिक करना पड़ेगा, तब आपको ये सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। तो मैंने एक ही सिस्टम आपको फॉलो करने के लिए बोला है और कुछ नहीं। सर बोलो, जनरल क्वेश्चन था सर, म्यूचुअल सेटअप में डिस्काउंट अलाउड मिलता है सर? ना ना, इसलिए तो डेटर्स मैंने रिड्यूस कर दिया है। डेटर्स अगर रिड्यूस कर देता हूं तो डिस्काउंट का क्या ऑप्शन है? और सर अगर क्वेश्चन में बोला नेसेसरी अकाउंट्स और ओपनिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं दिया, तो उसमें हम लोग फिर भी बैड डेट ट्रांसफर करेंगे सर प्रोविजन में? देन किस क्या अकाउंट बनाने के लिए दिया है अगर ओपनिंग प्रोविजन नहीं दिया है? अच्छा यस, पीयूष पांडे का सवाल है ये। हाँ सर, तुम जानते हो तुमने क्या सवाल किया है मुझको? क्या सर? पीयूष पांडे का सवाल सुनिए, उसने बोला है सर अगर ओपनिंग प्रोविजन दे दे रहे हैं तो आप पीएल में 100% पीएल का जगह आप प्रोविजन फॉर बैड डेट में क्लोज किए, बिकॉज आपका ओपनिंग प्रोविजन है, दैट्स व्हाई आपने क्लोज किया है। उसका सवाल है सर अगर मान लीजिए इट इज अ फर्स्ट ईयर, मान लीजिए इट इज अ फर्स्ट ईयर, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट ईयर में प्रोविजन फॉर बैड डेट का ओपनिंग तो नहीं होगा सर। हाँ सब्सिक्वेंट ईयर में होगा, तो फर्स्ट ईयर में सर प्रोविजन कहां, बैड डेट कहां पर चार्ज करेंगे? आप बैड डेट को प्रोविजन अकाउंट में चार्ज करते हैं बिकॉज आपके पास ओपनिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट है। अगर आपका ओपनिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं है तो आप कहां पर चार्ज करेंगे? डेटर्स चार्ज करके ही तो बैड डेट आया है, बैड डेट डेटर्स में चार्ज करके ही तो बैड डेट टू डेटर्स आया है। सवाल है बैड डेट को क्लोज कहां पर करेंगे? यहां पर आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट में क्लोज कर दिया था बिकॉज आपके पास ओपनिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट था, कम ज्यादा डिफरेंट इश्यू लेकिन था। लेकिन अगर आपके पास ओपनिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं है, कैन यू चार्ज विद द टू प्रोविजन, मतलब ये बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट ट्रांसफर लिख सकते हैं? सर पीएल में जांच करेंगे क्या? एग्जैक्टली राइट, बिकॉज़ आपके पास सीआर के लिए तो प्रोविजन था ही नहीं। क्लोजिंग डेट में जो आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो नेक्स्ट ईयर के लिए है बेटा, अगर इस ईयर के लिए है ही नहीं तो चार्ज कैसे करेंगे? एक्सलेंट क्वेश्चन, एक्सलेंट क्वेश्चन भाई, पढ़ाने में मजा आ जाता है। एक्सलेंट क्वेश्चन, उसका सवाल था अगर ओपनिंग में प्रोविजन था सर तो इज वेरी गुड, आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट ट्रांसफर कर दिया, सॉरी बैड डेट अकाउंट क्लोज कर दिया, प्रोविजन अकाउंट में हो ही सकता है। लेकिन अगर ओपनिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं है, क्या आप करंट ईयर का बैड डेट प्रोविजन अकाउंट से क्लोज कर सकते हैं? नहीं कर सकता हूं बिकॉज उस ईयर में तो ओपनिंग प्रोविजन ही नहीं था, कैसे करूंगा? तो कहां पर क्लोज करेंगे? पीएल अकाउंट में क्लोज करेंगे, तब ये बैड डेट बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट की जगह क्या बैठेगा? पीएल अकाउंट। गॉट इट? यस सर। वेरी गुड क्वेश्चन सर, ऑलवेज क्वेश्चन आप लोगों को सुनना है बिकॉज क्वेश्चन आप लोगों को बहुत कुछ सिखाएगा, बार बार बोल रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिव्यू हो जाता है क्वेश्चन के टाइम। ये पता नहीं ये आपको क्लास 12 में हैंडल कौन करता था, बाप रे, गुड एनफ क्वेश्चन। मुझे पता नहीं है स्कूल लेवल में कोई हैंडल करता था और नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड एंड वेरी इंप्रेसिव क्वेश्चन, आई थिंक सबका क्लियर है उसका क्वेश्चन। अगर ओपनिंग में प्रोविजन है तो सर आप प्रोविजन अकाउंट बैड डेट अकाउंट प्रोविजन में क्लोज कर रहे हैं, अगर ओपनिंग में प्रोविजन ही नहीं है तो कैसे आप बैड डेट अकाउंट प्रोविजन में क्लोज करेंगे? ओपनिंग का तो प्रोविजन ही नहीं हो तो फिगर जीरो है, राइट, तब पीएल में क्लोज करेंगे। लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर से बेटा वो प्रोविजन अकाउंट में क्लोज होगा, ठीक है? चलिए, Any other question? Sir, net profit, sir, उसको transfer नहीं किया sir, profit and loss sir.
एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट पीटीडी नेट प्रोविजन फॉर बैड डेट एक तो नाउ मुझे कोई बंदी ने रादर एक सवाल किया था कल ओवर द फोन, उसको शर्म आ रही थी क्लास में। उसका सवाल है सर मुझे ये समझ में तो आ रहा है मैथमेटिकली 12,000 प्लस 39,600 माइनस 5,000 करके 46,600 आ रहा है, इसमें मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे समझ में ये तो नहीं आ रहा है ये कैसे पीएल का फिगर 46,600। मुझे ये नहीं आपसे जानना है ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है। आई डोंट वॉन्ट टू नो इट इज माई बैलेंसिंग फिगर। मैं जानता हूं ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है, ये 46,600 इज अ बैलेंसिंग फिगर, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे ये समझाइए ये फिगर आया कैसे है। बोलो क्या सवाल किया है लड़की ने। चलिए ये क्वेश्चन देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग एकदम ठंडे दिमाग से, कोई कुछ कॉपी नहीं करेगा। देखिए एकदम रॉ लैंग्वेज में बोल रहा हूं। ओपनिंग बैलेंस और प्रोविजन था कितना बेटा 5,000, एम आई करेक्ट? वो लास्ट ईयर का प्रोविजन था तो इस ईयर में नहीं लगेगा, तो मैं क्या करूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज करेंट ईयर का प्रोविजन मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दूंगा। कितना 5,000 बाय करेंट ईयर में जो प्रोविजन बनाते हैं, करेंट ईयर में जो प्रोविजन बनाते हैं वो कहां पर आप लोग करते हैं? पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, करेंट ईयर का प्रोविजन, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट मतलब प्रोविजन का क्रेडिट साइड में बाय पीएल अकाउंट। कितना 39,600 ओके मैं मान के चलता हूं बचपन में जो किया था, बैड डेट यहां पर मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। ओके देखिए टैली हुआ यस और नो, 39,600 प्लस 5,000 44,600 44,600 डन। बैड डेट अकाउंट को ओपन करते हैं, बैड डेट अकाउंट को ओपन करते हैं बाय पीएल, लॉस अकाउंट कितना पीएल में दे देते हैं 12,000। नाउ सवाल है मेरा पीएल का अल्टीमेट फिगर क्या हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अच्छी तरह से देखिए, टू बैड डेट आपने क्लोज किया था यस और नो,
टू बैड डेट आपने क्लोज किया था? हाँ सर। कितना क्लोज किया था? 12,000। टू ऊपर में देखिए, टू आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट को देखिए, आपने टू पीएल बोल के क्लोज किया था ओपनिंग, तो पीएल का बाई साइड में बाई प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना, दैट इज ओपनिंग कितना बेटा? 5,000। वेरी गुड। करेंट ईयर का बैड डेट कितना? 39,600। मुझे बताएंगे नेट इफेक्ट क्या हुआ है? देखिए तो 39,600 प्लस 12,000 माइनस 5,000, 39,600 पीएल में डेबिट हुआ है प्लस 12,000 डेबिट हुआ है माइनस ओपनिंग जो था 5,000, देखो क्या आया है फिगर, 46,600। यस और नो? ये दोनों प्लस करके ये 5,000 माइनस करो, देखो 46,600 आता है। एम आई करेक्ट? यस सर। Yes, देखिए तो मैंने क्या लिखा है यहां पर, एक्चुअल में उसने बिना बताए मुझे पूछा था, ये जो मैकेनिज्म है दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव टू, जहां पर हम लोग क्या चार्ज करते हैं, हम लोग प्रोविजन को चार्ज करते हैं पीएल अकाउंट में। सो अल्टीमेटली ये था आपका अल्टरनेटिव टू, वहां पर मैंने देखना क्या लिखा था, ओपनिंग प्रोविजन को पहले पीएल में क्लोज करना है, क्लोजिंग प्रोविजन को क्रिएट करना है, नेट फिगर जो है वो पीएल में जाएगा, वही मैंने किया है, और बैड डेट को पीएल में चार्ज करना। लेकिन हम लोग ये अल्टरनेटिव अभी नहीं करेंगे, देखने के लिए है, हम लोग एक ही अल्टरनेटिव करेंगे जो हम लोगों ने आप लोगों को सिखाया है, ये वन। अगर आप मैचिंग देखना चाहते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोगों के लिए मैंने ये एडिशनली कर दिया है, फॉर इंटरेस्टेड स्टूडेंट, सबके लिए जरूरत नहीं है, आप एक ही समझिए, दैट इज दैट वन, उसका एप्लीकेशन करूंगा बाद में, ठीक है? बोलिए कोई सवाल। एक्चुअली ये था आपका अल्टरनेटिव टू, अल्टरनेटिव टू मतलब सब चीज पीएल से चार्ज कर दे रहे हैं एकदम सब कुछ पीएल से, और यहां में सब कुछ प्रोविजन और नेट अमाउंट पीएल में, यही दोनों अंतर में नहीं तो ठीक है ना, ना क्लास खत्म होकर बाद लेकिन बाद फिर वो स्टार्ट हो सर जरा भाई धीरे बात बंद एग्री। तो कोई सवाल यहां तक?